ऋतिक भाई, मुझे एक जेन्युइन सा सवाल पूछना है। मैंने फिल्म में देखा आप कभी बच्चन साहब की आवाज निकाल रहे हो और बहुत सारे किरदारों की आवाज निकाल रहे हो, वो आपने खुद निकाली थी या वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे? नहीं, वो मैंने खुद मैंने कोशिश की थी और सारी आवाजें आप ही ने निकाली हैं? जी जी। क्या बात है यार, ये टैलेंट का नहीं पता था सर हमें। सर थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए। नहीं क्या है, ऐसे ही नहीं भी सही निकलेगा तो क्या है। हेलो सुप्रिया जी, कैसे हैं आप? अमित जी, आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो, बस ऐसा कुछ। बहुत बहुत ब्यूटीफुल है सर, क्या बात है। मैंने कुछ किया मैं सन्नी पाजी का फैन हूँ। सन्नी पाजी का उनकी मैं वैसे ही मतलब एक्चुअली आदमी को जिसकी आवाज़ आती ना, आदमी बोलता है कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनकी आवाज़ निकाला जाता हूँ। कोशिश मैं करता रहता हूँ। जैसे आपने जादू में एक बड़ा एक अच्छा टोन पकड़ा था, यही तो मैं नहीं चाहता, वो बड़ा प्यारा सा टोन था, हालांकि मेरे से कभी निकल नहीं सकती, मैं कोशिश करता रहता हूँ। रोहित का एक सनी पाजी का याद है मुझे। अच्छा, आज मैं बहुत 70वीं बार कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार भी नहीं निकलेगी। नहीं नहीं, आई आई। तो सनी देओल कातिया, हाँ, यह मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को बदल के उसका आकार बदल देता है, वॉट एवर। तो नहीं निकलेगी। रोहित का यही था, मुझे डायलॉग भूल गया। अभी नहीं डालो, कोई भी डालो अभी, भाई बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, कोई और कोई निकालूं? हाँ और कोई। अच्छा रजा मुराद साहब आते हैं। आइए आइए रोमा देवी, आपके गांव से बहुत सारी औरतें हमें मिल जाएगी। और क्या, कौन सी निकालता था मैं? देखा, मैंने मैंने बोला था ना कि वो कर सकते, मेरे को मालूम था, मेरे को मालूम था कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी एक्सक्यूज बना रहे थे। हाँ। अच्छा, पर आप में ये टैलेंट है, आप शरारती तो बचपन से होंगे सर। वैसे शरारती थे ऋतिक बचपन में कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बहुत सोबर थे, बहुत शांत थे। मतलब जैसे आज हैं वैसे ही थे? हाँ। वेरी गुड। एक बार हम घर पे आए, घर पे आए तो घर पे ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, स्कूल से आ गया मगर घर पे नहीं है, सारे कमरे देख लिए, बेडरूम हमारा लॉक था। अच्छा, चाबी हमारे पास थी, बेडरूम में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। राइट, तो कहाँ है, 2-3 घंटे हो गए नहीं मिल रहा। पुलिस को बुला लिया, सब आ गए घर पे। फिर तो मैं एक्चुअली अपनी मम्मी के कमरे के अंदर था ही। अच्छा, एक छोटा सा एक खिड़की था। अच्छा, तो उसे कहीं खोल वोल के मैं घुस गया अंदर, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन कार्टून। अच्छा, वो अंदर थी, वो VHS, तो वो देखने के लिए मैं ऐसा घुस के अंदर घुस गया। कमरा लॉक है तो मैं अंदर बड़ा आराम से मैं देख रहा हूँ, और बाहर पुलिस ये वो। और फिर कुछ 4 घंटे बाद, मतलब मैं फिर वहाँ पे ऐसे सो गया, उठा तो मैंने देखा कि बाहर उसी खिड़की के बाहर मेरी मम्मी ऐसे, एग्जैक्टली यहाँ मुझे अब तक याद है, तो उसी खिड़की के बाहर मेरी मम्मी ऐसे टहल रही थी ऐसे। और मैं देख रहा हूँ मम्मी क्यों रो रही, एंड देन शी इज लुकिंग एट मी, एंड शी लुक्स एट मी। उन्होंने पिटाई नहीं की फिर आपकी? अरे मिल गया बच्चा, मिल गया पिटाई कहाँ, मतलब गले वाले लगा रहे हैं। मैं ये क्या हो गया, ये अच्छा है। ऋतिक भाई, आपके लिए एक सरप्राइज है। आपके हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जितने भी बॉलीवुड को प्यार करने वाले वो तो फैंस हैं ही, आपके एक इंटरनेशनल फैन है और वो आपको बड़ा बारीकी से फॉलो करते हैं। मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? हाउ स्वीट इज दैट? तो मिस्टर जैकी चैन। ओह माय गॉड, अमेजिंग। तो सर जैकी सर अगर करके गए हैं गाने के स्टेप, तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आप एक बार यही गाना। थैंक यू ऋतिक भाई, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। आप जैकी सर को कुछ बोलना चाहेंगे? अगर वो मेरे सामने होते इस वक्त तो पता नहीं, आई वुड बी सो ओवरवेलम्ड। लेकिन जैकी चैन हैज डन माय स्टेप, इससे पता नहीं, ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन। मतलब मैंने ऐसी ऐसी कहानियां और मैंने देखा भी है, विद अ ब्रोकन एंकल ब्रोकन फुट, डॉक्टर उनसे कह रहे हैं कि ये अभी वी हैव टू पुट अ प्लास्टर ऑन दिस, तो ही सेड ओके पुट द प्लास्टर।
उस प्लास्टर के ऊपर जूता पेंट करके उन्होंने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक छलांग लगाई उसी दिन। क्या बात है, मतलब ही इज एन अनबिलीवेबल मैन एंड आई जस्ट आई एम एज अ स्टूडेंट आई थिंक वी ऑल शुड जस्ट डू दिस टू हिम फॉर इंस्पायरिंग दिस एंटायर वर्ल्ड। जैकी चैन, इंडिया लव्स यू। भाई, you are proud of me, सिर्फ मेरे शो पे आए और कहीं नहीं आए। अरे आपका तो कोई मुकाबला भी नहीं। अरे सर, फिर आपका भी कोई मुकाबला नहीं। थैंक यू ऋतिक भाई, आइए सर। वो लुक एट दैट, ओह गॉड, हाय हाय। कपूर शर्मा, मानना पड़ेगा यार, मतलब आप जैसे नाकाबिल इंसान के घर में इतने काबिल लोग। I don't believe it. हेलो, I am बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। सर, जैसे हम सब ने आपकी फिल्म देखी काबिल, अब आप हमारा कबीला देखिए। कपूर शर्मा, आप एक काम कीजिए ना, मैं एक च्युइंगम लाई हूँ, आप इसे खाइए। क्यों? नहीं, इसे क्या होगा ना, आपका मुंह ऐसे चलता रहेगा, आपको लगेगा कि आप बोल रहे हैं। तो अंदर से आप सेटिस्फाइड रहेंगे और हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। वैसे ग्रीक गॉड जी, अरे आई एम रियली रियली ह्यूज फैन ऑफ यू। और मैं आपको क्या बताऊं, नमस्ते सर। नमस्ते। और यामी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्कूल में आपकी टीचर आपसे पूछी होगी आर यू यामी, और आपने कहा या मी यामी? राकेश सर, ये मतलब बहुत काबिल है जी, मतलब दिख रहा है। आपको कभी इनके पर्सनल स्क्रीनिंग करनी हो 100 mm की, तो आप इस पे प्रोजेक्टर चला सकते हैं अपना। और भी 3-4 कुछ कहना चाहते हैं आप? खैर एनीवेज, ग्रीक गॉड सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज फाइनली मैंने जवाब तैयार कर लिया है और मेरा जवाब है हाँ। क्या, किस चीज का जवाब, ये क्या है? नहीं नहीं, कई सालों पहले इन्होंने सवाल किया था, इन्होंने पूछा था कि कहो ना प्यार है। उस टाइम क्या था कि मैं 18 से कम थी ना, तो मैं जवाब दे नहीं पाई। अब मैं बालिग हो गई हूँ, तो अब मैं जवाब दे सकती हूँ और मेरा जवाब हाँ है। सर, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, आपकी ये जो फिल्म है ना काबिल, से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगी है ना फिल्म, मेरा पूरा परिवार इसे सेलिब्रेट करने गया था। हाँ, मेरा पूरा परिवार एक्चुअली बाहर खड़ा हुआ है, मैं उनको अंदर बुला सकती हूँ? हाँ, बुलाइए ना। बुला सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? ओह, थैंक यू फॉर योर परमिशन। अप्पा, तुम्हारे अम्मा अप्पा साउथ इंडियन है, तुम तो बिल्कुल नहीं लगती है। साउथ क्या, अभी साउथ इंडियन लगने के लिए मैं अपने सर पे क्या डोसा पहन लूं? सर की बड़ी पिक्चर देखी है, तो अभी थोड़ी पार्टी तो बनती है। चलिए, आप लोग पार्टी शुरू कीजिए ना, पार्टी पार्टी। ये तो अकेले अकेले खाना शुरू कर दिया, हमें तो इनवाइट नहीं किया इन्होंने। हाँ, तो भूखे वो हैं तो वही खाना खाएंगे ना। पार्टी का हिस्सा आप लोग भी हैं, लेकिन मैं आई एम सॉरी, आप लोगों के लिए खाना नहीं लाई हूँ, खाना सिर्फ उनके लिए। यार, तेरे भाइयों को देखते लग रहा, 3-3 साल का खाना इकट्ठा खा के बैठे। ये देखो, थोड़े से भूखे, आप खाइए खाइए खाइए, अन्ना खाओ अन्ना, ऐसा कुछ नहीं, आप खाओ। वैसे राकेश जी, मैं खाली सोच रही थी कि देखिए, मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी यहाँ पर हैं, तो अगर एक रिश्ते की बात सी, नहीं आप मेरी बात समझिए, एक कुंवारी लड़की अपने माँ बाप के सीने पे कितना बड़ा बोझ होती है, पता है आपको? तो मत बैठा करना उनके सीने पे। बेकार की बात करिए, मेरी अम्मा ना हमारा खानदानी हार भी लेके आई है। अम्मा, खानदानी हार निकालो, हम रिश्ता पक्का करेंगे, अभी आज ही करेंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स